So hello guys, welcome back to a new brand video. In this video I gonna show you आप इस टाइप से ट्रेंडिंग थंबनेल किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर बना सकते हो. सो ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा इन सारे वीडियो को देख लो ताकि वीडियो आप लोग अच्छे से समझ पाओ. सो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो गाइस, सबसे पहले टेक्स्ट के लिए आप लोग को पिक्सलैब ओपन कर लेना है और एडिट टेक्स्ट में जाके आप लोग को अपने थंबनेल पर जो भी टेक्स्ट चाहिए उसे सिंपली यहां पर टाइप कर देना है. उसके बाद आप लोग को फॉन्ट के अंदर जाने के बाद फॉन्ट का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा. इसके अलावा भी आप लोग को और कोई फॉन्ट चाहिए तो फिर आप लोग को चूज कर सकते हो. सिंपली फॉन्ट चूज करने के बाद आप लोग को अपनी टेक्स्ट लिख लेना है. उसके बाद इसे आप लोग को ट्रांसपेरेंट कर देना है. ट्रांसपेरेंट करने के बाद सिंपली आप लोग को इसे सेव कर देना है. सो अभी आप लोग को अपना PSCC या फिर PSTorch ओपन कर लेना है. लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा. सिंपली आप लोग को ये वाला स्क्रीनशॉट पैक के अंदर मिल जाएगा, इसे सिंपली ऐड कर देना है. उसके बाद आप लोग को पॉली सिलेक्शन टूल चूज करके कैरेक्टर को आप लोग को लेयर फॉर्म सिलेक्शन करना है, मतलब कैरेक्टर का और एक लेयर निकालना है. इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा हूँ, सो उस वीडियो को आप लोग देख लेना. यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. सो आप लोग वो वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ पाओगे. सो अभी आप लोग को बैकग्राउंड में रुक के इफेक्ट्स के अंदर जाके आप लोग को इसे टेंट देना है. आप लोग का जिस कलर का बैकग्राउंड चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड चाहिए इसलिए मैं ग्रीन कलर चूज़ कर रहा हूँ. और इसके अमाउंट को यहाँ से आप लोग को इसे जीरो कर देना. आप लोग कुछ इस टाइप सा इफेक्ट मिल जाएगा. सो इस तरह से आप लोग को जिस कलर का बैकग्राउंड चाहिए आप लोग वो कर सकते हो. तो सिंपली आप लोग को ये वाला ओवरले मिलेगा पैक के अंदर, इसे सिंपली लेके यहाँ पर नॉर्मल पर रख के इसकी कैपेसिटी को आप लोग 70% कर देना है, 70 या फिर 75 अपने हिसाब से. उसके बाद ये वाला ओवरले मिलेगा, इसे सिंपली आप लोग को फुल स्क्रीन करके इसे ओवरले करके इसकी कैपेसिटी को आप लोग 20% या फिर 25% अपने हिसाब से रख लेना है. उसके बाद अभी आप लोग को आता है कैरेक्टर को ग्लो देना है और ग्लास इफेक्ट देना है. सो उस वीडियो में मैंने स्पेशल वाला वीडियो में मैंने बताया हूँ किस तरह से इफेक्ट दे सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ. सो सिंपली आप लोग को उसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर लेना है. नीचे वाले लेयर की सिलेक्ट पिक्सेल करके ऊपर वाले लेयर में आके फिल एंड स्ट्रोक में जाके उसे स्ट्रोक 1% का दे देना. उसके बाद इफेक्ट्स में जाके उसे ग्लास इफेक्ट दे देना. वहीं इफेक्ट्स में जाके बेसिक में जाके उसे ग्लो देना है. आप लोग को जिस कलर का ग्लो चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर का चाहिए था, तो सिंपली आप लोग को इसका एक डुप्लीकेट लेयर करना है, उसे लिनर डस्ट करना है और इफेक्ट्स में जाके उसे गॉसियन ब्लर दे देना है फुल्ली. सो इतना देने के बाद और एक बार उसे डुप्लीकेट लेयर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. सो सिंपली उस वाले लेयर में आना है, उसको डुप्लीकेट करना है, उसको लिनर डस्ट करके इफेक्ट्स में जाके गॉसियन ब्लर दे देना है. कुछ इतना सा गॉसियन ब्लर दे देने के बाद उस वाले लेयर को आप लोग को कैरेक्टर के नीचे वाले लेयर में ले आना है. सो अब बात आती है टेक्स्ट की. और सिंपली आप लोगों ने आपने जो टेक्स्ट पिक्सलैब पर बनाया था उसे सिंपली लेके यहाँ पर आप लोग को ऐड कर देना है. ऐड करने के बाद इन तीनों को तीन लेयर में डिवाइड कर देना है मल्टी सिलेक्शन टूल के मदद से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ. सो यहाँ से सिंपली आप लोग को इस तरह सिलेक्शन करना है, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करना है, नीचे वाले लेयर में आके क्लियर कर देना है. सो इतना करने के बाद ये एक लेयर में डिवाइड हो जाएगा. सो इस तरह से मैंने इन दोनों को भी लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करके इन तीनों को तीन टेक्स्ट में डिवाइड कर देता हूँ. सो सिंपली यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं कर देता हूँ. सो ये हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इन तीन लेयर हो गया. सो सिंपली आप लोग को अपने हिसाब से आप लोग को टेक्स्ट जहाँ पर रखना चाहते हो वहाँ पर रख लेना. मैं यहाँ पर सिंपली रख रहा हूँ. सो इन दोनों टेक्स्ट को भी जल्दी जल्दी से मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट में जाके. सो इतना करने के बाद अभी बारी आती है आप लोग को इसे ग्रेडियंट देना है. सो ग्रेडियंट के लिए सिंपली आप लोग को टेक्स्ट वाले लेयर में जाना है. टेक्स्ट वाले लेयर में जाने के बाद उसका सिलेक्ट पिक्सेल करना है और एंड वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पर आप लोग को इस टाइप सा कुछ ग्रेडियंट देना है जिस तरह से मैं दे रहा हूँ. या फिर आप लोग को कोई अलग टाइप सा भी ग्रेडियंट देना चाहते हो तो फिर आप लोग दे सकते हो अपने हिसाब से.
और सिंपली यहाँ पर देख सकते हो मैंने चार स्ट्रोक लिया हूँ उनसे दो, जिस टाइप से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोग सिंपली देख के अपने हिसाब से कर लेना है। तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट मिल जाएगा, उसके ऊपर आप लोग को एम्प्टी लेयर लेना है, कोई सा भी कलर का को आप लोग को फिल कर देना है, नीचे वाले लेयर में आना है, सिलेक्ट पिक्सेल करना है, ऊपर वाले लेयर में जाके क्लियर कर देना है, और उस वाले लेयर में रुक के आप लोग को इसे ग्रीन कलर का एक ग्लो दे देना है। ग्लो देने के बाद नीचे वाले लेयर में आना है, उसका सिलेक्ट पिक्सेल करना है, ऊपर वाले लेयर में जाके एक्सट्रैक्ट कर देना है, और इस ऊपर वाले लेयर को लिनर डस करके आप लोग को कैपेसिटी कुछ 60 या फिर अपने हिसाब से देख के रख लेना। सो सिंपली इस टाइप सा इफेक्ट आप लोग को सेम उसके ऊपर भी देना है, इसलिए मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। सो अब बारी आती है इस वाले टेक्स्ट को। सो इस वाले टेक्स्ट के आप लोग को सिलेक्ट पिक्सेल करना है, ऊपर में एक एम्प्टी लेयर लेके फिल एंड स्ट्रोक में जाके इसे स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक देने के बाद उस वाले लेयर में रुक के आप लोग को इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। सो एक्स्ट्रा करने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप सा इफेक्ट मिल जाएगा। तो सिंपली उस वाले लेयर को सिलेक्ट पिक्सेल करना है, उसके ऊपर रुक के आप लोग को फिल एंड स्ट्रोक में जाके एक स्ट्रोक देना है, वो भी ग्रीन कलर का। सो इतना देने के बाद अभी आप लोग को उस वाले लेयर को सिलेक्ट पिक्सेल करके उस वाले लेयर में रुक के आप लोग को एक्स्ट्रैक्ट कर देना, आप लोग को कुछ इस टाइप सा इफेक्ट मिल जाएगा। सो सिंपली उस वाले लेयर को आप लोग को टेक्स्ट के नीचे वाले लेयर में ले आना है, उसके बाद आप लोग को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके कुछ इस टाइप सा आप लोग को प्लेस कर देना है अपने हिसाब से। सो मुझे जिस तरह से अच्छा लग रहा है मैं इस तरह से आप लोग को प्लेस कर देता हूँ। सो कुछ इतना बड़ा करके प्लेस कर देना है, उसके बाद आप लोग को इसे इफेक्ट्स में जाके आप लोग को इसे ग्लास इफेक्ट दे देना है, ये कुछ इस टाइप सा दिखाई देगा। सो उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट लेयर कर देना है, उसे लिनियर डस्ट कर देना है, उसके बाद उसे गॉसियन ब्लर दे देना है। सो कुछ इस टाइप सा इफेक्ट मिल जाएगा। सो इस तरह से आप लोग इसे इफेक्ट दे सकते हो, या फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पर भी नहीं दे सकते हो। सो इतना करने के बाद इसे आप लोग को इन दोनों लेयर को मर्ज डाउन करके इसके नीचे वाले लेयर में रख लेना है, और इसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना अपने हिसाब से। सो इतना करने के बाद आप लोग को पैक के अंदर वो वाला जो टेक्स्ट इफेक्ट मिलता है, सो ये जो टेक्स्ट दोनों था उन दोनों को आप लोग को मॉश डाउन कर देना है। मॉश डाउन करने के बाद आप लोग को उसे ग्लास ड्रॉप शैडो में जाके दो बार या फिर तीन बार ड्रॉप शैडो दे देना है, कुछ इस टाइप सा इफेक्ट मिल जाए। अभी आप लोग को पैक के अंदर आने के बाद आप लोग को कुछ इस टाइप सा एक PNG मिल जाएगा, या फिर आप लोग भी जिस प्लेयर को मारोगे उस टाइप सा PNG होगा, उसे सिंपली लेके यहाँ पर आप लोग को इसे प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद उसको ऊपर आप लोग को एक एम्प्टी लेयर लेना है, इसकी सिलेक्ट पिक्सेल करना है, ऊपर वाले लेयर में जाके फिल एंड स्ट्रोक में जाके इसे स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक व्हाइट कलर का देना है, व्हाइट कलर का देने के बाद उसको आप लोग को एफएक्स में ग्लास इफेक्ट देना है। सो ग्लास इफेक्ट देने के बाद एफएक्स में रुक के आप लोग को उसे ग्लो देना है। सो ग्लो देने के बाद उस वाले लेयर को आप लोग को लिनर डस्ट कर देना है, और एक डुप्लीकेट लेयर कर देना, कुछ इस टाइप सा इफेक्ट मिल जाएगा। सो सिंपली आप इन दोनों लेयर को मर्ज डाउन कर देना है, या फिर मर्ज डाउन नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पर मैंने इन दो एक लेयर को नॉर्मल रख दिया और इन दोनों को मर्ज डाउन कर दिया। सो मर्ज डाउन करने के बाद अभी आप लोग को इसकी डुप्लीकेट लेयर करना है। सो डुप्लीकेट लेयर करने के बाद इन दोनों को जिस तरह से मैं प्लेस कर रहा हूँ आप लोग को इस टाइप सा देख के प्लेस कर देना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके। सो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो सिंपली आप लोग को इन चारों को प्लेस करने के बाद इस वाले टेक्स्ट इफेक्ट में आना है, और एक बार आप लोग को इसे ड्रॉप शैडो दे देना है। उसके बाद आप लोग को पैक के अंदर एक पार्टिकल मिल जाएगा, उसे सिंपली लेके आप लोग को इसे प्लेस कर देना है टेक्स्ट के नीचे वाले लेयर में। प्लेस करने के बाद इसे आप लोग को लिनियर डस्ट कर देना है। सो लिनियर डस्ट करने के बाद अभी आप लोग को पैक के अंदर एक और एक पार्टिकल मिल जाएगा, उसे सिंपली लेके यहाँ पर ऐड कर देना है, और टिंड में जाके उसे आप लोग को ग्रीन कलर का कर देना है, जिस कलर का आप लोग का बैकग्राउंड है। तो सिंपली इतना करने के बाद अभी आप लोग को पैक के अंदर दोबारा जाना है,
आप लोग को और एक पार्टिकल मिल जाएगा, पार्टिकल मिल जाएगा, उसे सिंपली लेके यहाँ पर आप लोग को स्मोक वाला पार्टिकल मिल जाएगा, इसे सिंपली ऐड करके आप लोग को फुल स्किन करके आप लोग को इसे लिनियर डॉस कर देना है। सो इतना करने के बाद और भी पार्टिकल मैंने लिंक में दे दूँगा, आप लोग को अच्छा लगा तो फिर आप लोग उन सभी को भी ऐड कर देना। यहाँ पर और एक पार्टिकल मैंने ऐड किया हूँ, वो भी लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वो एक ब्लैक ओवरले है, सो इस वाले ओवरले को सिंपली लेके आप लोग को इस टाइप से ऐड कर देना है और इस ओवरले को आप लोग को टेक्स्ट के पीछे नीचे वाले लेयर में रोक लेना है। सो आज के लिए सिर्फ इतना सा, मैं मिलूँगा और एक वीडियो के साथ। यहाँ पर आप लोग का थंबनेल ख़त्म हो जाता है।